नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबर मथुरा से है, जब ब्रज 84 कोश परिक्रमा मार्ग के बदले जाने की खबर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रामीण जगह जगह धरना दे रहे हैं। इस पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि ब्रज 84 कोश परिक्रमा मार्ग में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आज उसी को लेकर तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्रा और तीर्थ विकास परिषद की टीम के साथ पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर, वन विभाग के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के साथ मंगलवार को मारव बाजना होते हुए टेंटी गांव तक पहुंचे थे। बुधवार को टेंटी गांव के हरनौल नसीटी होते हुए गोरे पहुंचे, जहां पे इस दौरान बड़ी तादाद में हरनौल नसीटी आदि क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। अलीगढ़ के थाना रोरावर इलाके में महमूद नगर में एक पति द्वारा अपनी पत्नी को पीटने की क्रूरता भरी एक वीडियो सामने आई। पति पत्नी को जमीन पर डालकर लात घूंसों से मार रहा था और पैर पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए नजर आया। वहीं उसी वीडियो के साथ एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दो महिलाओं को वो व्यक्ति पीट रहा था। घटना का वीडियो जैसे ही मीडिया पर वायरल हुआ तो अलीगढ़ पुलिस हरकत में आई और आरोपियों के घर पहुंच गई। पीड़ित महिला और उसके परिजनों की ओर से पति और उसके बहनों और ससुरालजनों के विरुद्ध शिकायती पत्र प्राप्त किया। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी पति और साथ ही बहनों को गिरफ्तार कर लिया है। कौन है वो जो तुम्हारे साथ मारपीट कर रहा है, वीडियो वायरल हुआ? मेरे हस्बैंड है, उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी रात को। बहुत मुझसे पैसों की नहीं डिमांड करी, अपने घर से पैसे मांगा, मैंने कह दिया पैसे नहीं है मेरे भाई पर, तो इसने मेरे साथ मारा पीटी करी बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी माँ को बुलाया तो उनके साथ भी मारा पीटी करी। एक प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया है, जिसमें महिला द्वारा थाना रुना पर तहरीर दी गई है कि उसके पति और ससुराली जनों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है, दहेज की मांग की गई है। इसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा इसमें जो पति और जो मारपीट करता नजर आ रहा है और अन्य जिसकी भी इसमें भूमिका होगी उनको गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रचलन में लाई है। पति यही फरार है, अभी इनके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।